अभी तक आप लोग खाए कि नहीं खाए कमेंट जरूर कीजिएगा। हम लोग तो हमारा खाना निकल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सुषमा ब्लॉग में स्वागत है। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं डाल्टनगंज प्लामू के रहने वाली हूँ, छोटी सी गांव से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं रांची में। जैसे हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हैं। हम भी अच्छे हैं, आप भी मस्त और स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो चलिए, आज है शनिवार, तो शनिवार को अपना रात को अपना 7 बजे से अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। और सो दोस्तों, आज है शनिवार तो अपना हम खाना बना रहे हैं। खाने में, शाम के खाने में आज बनाएंगे खिचड़ी। तो इस तरह से मैं खिचड़ी बना रही हूँ। सबसे पहले फ़ौरन डाल के डाल दिए इसमें। और ये देखिए, सबसे पहले फ़ौरन डाल दिए हैं, लहसुन नहीं डाले हैं, मिर्चा, अरहर का दाल का खिचड़ी है हमारा। मिर्चा, तेज पत्ता, प्याज और जीरा का तड़का लगाए हुए हैं। और डालेंगे नमक, हल्दी, मिर्चा, ये सब डाल करके बनाएंगे तो खिचड़ी बन जाता है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में जाएगी खिचड़ी वाली रेसिपी, मस्त वाली दोस्तों। हमारा खिचड़ी बन गया है, खिचड़ी बना लिए हैं, खिचड़ी बना करके खा रहे हैं। शनिवार को खिचड़ी खाना चाहिए और हर शनिवार को खिचड़ी खाना चाहिए दोस्तों। और ये देखिए, खिचड़ी और आलू की चोखा बना दिए हैं, एकदम मस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग शनिवार को खिचड़ी खाते हैं कि नहीं कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में जरूर लीजिएगा कि खिचड़ी का रेसिपी डालें, ठीक है? बहुत अच्छा खिचड़ी लग रहा है भाई, खा ले तुमसे बात मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है दूसरा दिन, संडे। संडे को आज हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं भाई। ये दो तीन चार दिन की वीडियो हो जाएगी हमारी। तो आज गुड मॉर्निंग हमारे ओर से, प्यार भरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज ना सुबह के समय है, बाबू के लिए नाश्ता बना रहे हैं। और नाश्ता में हम क्या चीज बना रहे हैं, बाबू भी खाएगा, हम भी खाएंगे। तो आज एकदम स्पेशल नाश्ता, संडे स्पेशल नाश्ता होगी दोस्तों, जो होम मेड, जो घर में होता है उसे हम बनाएंगे नाश्ता। तो दोस्तों इधर आइए, चलिए इधर दिखाते हैं। तो हम आ चुके हैं किचन में भाई। किचन में आने के बाद में देख सकते हैं, आज मैं रेसिपी नहीं शुरू कर रही हूँ, रेसिपी नेक्स्ट डे देंगे आज, क्योंकि जल्दबाजी है, हड़बड़ी है, ठीक है? और अगर हम रेसिपी शुरू करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ये देखिए, आज हम बना रहे हैं आलू, परवल, सोयाबीन और चना की सब्जी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जीरा राइस बना रहे हैं, जो बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगता है सब्जी के साथ खाने में। तो आप कमेंट जब कीजिएगा ना, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, हम जरूर रेसिपी शूट करेंगे और आपको बताएंगे सिंपल सी रेसिपी दोस्तों। तो बन जाएगा, उसके बाद हमारा नाश्ता कैसा बनता है वो हम दिखाएंगे आपको। और प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे कमेंट में पूजा उजा हो गया है, नहा धोवा करके रेडी हो चुके हैं। 4 बजे उठे थे, 4:30 बजे, और अभी हमारी काम खत्म हुई है 10 बजे। और 10 बजे हमारी काम खत्म हुई है, 10:28। और इतना, आज संडे है भाई, संडे में इतना काम बढ़ जाता है कि क्या ही बोले, बहुत ज्यादा काम हो जाता है। प्रसाद वगैरह लेकर के गए थे, अभी जस्ट गए हुए थे, पूजा हो गया था वहाँ। पूजा होने के बाद में मैं इधर जैसी गई, सामने में ही है, मैंने सोचा कि चलो प्रसाद वगैरह लेकर के आ जाते हैं। और सत्यनारायण भगवान की प्रसाद खाना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको पता चलता है कि पूजा हो रही है तो वहाँ से अगर पूजा में शामिल ना हो पाए तो प्रसाद खा लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए भाई। तो प्रसाद ये है, देख सकते हैं एकदम, आप ही खा लीजिए प्रसाद भाई। तो चलते हैं, खा लेते हैं। और इतना काम बढ़ जाता है ना संडे को कि समय से सुबह ही बुलाए थे, अब नहीं जा पाए। ये है, ये देखिए, सुबह में हमारी नाश्ता बनी थी, ये है प्लेन पुलाव और सब्जी, सोयाबीन और आलू चना की सब्जी, बहुत मस्त लगता है भाई। इस तरह से मैं सामने से दिखा रही हूँ आपको, ऐसा बना हुआ है। और आप लोग कमेंट जल्दी जल्दी कीजिएगा, बना देंगे रेसिपी, बनाएंगे और देखते ऐसे ऐसे टेस्ट करना है भाई, इस तरह से खाना है। बहुत
चिकन होता तो और मस्त लगता दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लग रहा है। आपने देखा कि मैंने आ गई रांची में, तो रांची में आ गए हैं। आज है संडे और समय को हो रहे हैं शाम को हो रहे हैं 6:44 और हम अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं 6:44 पे। तो भाई आज हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है सब्जी, दो चार दिन से हमारे यहाँ सब्जी खत्म हो चुकी है, तो हम जाते हैं सब्जी लेने के लिए। यहाँ पे बाजार जा रहे हैं नामकुम बाजार, तो लेट हमारी हो जाएगी, तो चलते हैं, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। या नामकुम बाजार अभी तो रात ही हो चुका है, बाबू सो गया था करके, तो चलते हैं, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। और आज है स्पेशल संडे ब्लॉग, तो भाई कुछ हम बनाने वाले हैं, आज हम रेसिपी बनाएंगे आज। चलिए क्या चीज बाजार से हम लेकर के आते हैं वो हम आपको दिखाएंगे और चलते हैं। सो ये देखिए झोला ले लिए हैं, ये देखिए झोला हमारा रेडी सेडी तैयार हो गए। लाइव खत्म हुआ हमारा 6:00, जैसे कि 4:00 से लाइव आई थी, 4:00 से लाइव आने के बाद में भाई 1 घंटा लाइव जैसे ही आए वैसे ही अपने आप से कट गया। मुझे लगा कि लाइव कट गया, ठीक है सेव ही नहीं हुआ है, तो फिर बाद में मैं देख रही हूँ तो लाइव हमारा अपलोड हो गया है, तो फिर मैं ये गुस्से रही। तो भाई 5 से 6 बजे तक ही, तो चलिए सो चलते हैं बाजार और क्या ची क्या चिल्लाते हैं वो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए ब्लॉग पे। गाड़ी निकाल दिया है और हम चलते हैं, शाम हो गया ना 6-7 बजने वाला है और काफी मतलब अंधेरा होने वाली है, तो चलते हैं फटाफट यहाँ से। हाय हाय, तो हम यहाँ से भाई घर से निकल रहे हैं बाजार की तरफ, बाजार चलते हैं। अभी रांची में आज बारिश नहीं हुई थी तो रास्ता सूखा हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। देखो बिलाई आ रही है भाई, बाजार जो छोटी सी बाजार लगती है और यहाँ थोड़ा सा जो घर का डेली सामान यहाँ पे मिल जाएगा, सब्जी वगैरह। ये देखिए मछली कैसे भैया, ये वाला और ये कौन सा मछली है ये आ? गोराई, अच्छा ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मछली है। और चलते हैं कुछ सामान वगैरह ले लेते हैं, सब्जी वगैरह यहाँ पे मिल रहे हैं सब्जी।
सोचो दोस्तों सब्जी इतना महंगा होगा हो गया है कि क्या ही बोले। सब्जी वगैरह देखने आए हैं इधर, सब्जी ले लेंगे और कुछ किराना स्टोर का सामान भी लेना है, तो चलते हैं ले लेते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे। एक पाव दीजिएगा, बाप रे बाप सब्जी का महंगा हो गया। जहाँ खाते हैं ना वहाँ तो उसका ही खत्म हो गया है, तो यहाँ पे एक ठेला में हम खा रहे हैं, यहाँ फर्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मोती हार्ट इधर दुकान के पास में यहाँ खा रहे हैं फुचका। खिलाते दीपू, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। खा कर मिलते हैं आपसे। दीपू हमारा खा रहा है। सब्जी यहाँ से ले लिए, सब्जी लेने के बाद में मैं यहाँ पेट्रोल पंप के पास आ गई हूँ। पेट्रोल पंप पे ले लेंगे तेल, तेल लेने के बाद हम जाएंगे यहाँ से घर और सब्जी सब्जी वगैरह ले लिए हैं और फुचका वगैरह भी खाया, बहुत टेस्टी लगा, तो चलते हैं। ये देखिए तेल यहाँ पे ले लेते हैं पेट्रोल पंप, ये नामकुम स्टेशन का पेट्रोल पंप है दोस्तों। तो ये देखिए हमारा झोला नीचे में है। ये देखिए शाम रात का नजारा है। तो हम आ चुके हैं घर और घर आने के बाद में भाई इतना गर्मी लग रहा है कि क्या ही बोले, एकदम क्या ही बोले। गर्मी क्यों लग रहा है बताइए? गर्मी इसलिए लग रहा है कि सब्जी की रेट हो गया महंगा, इतना सब्जी की रेट महंगा हो गया है कि क्या ही बोले, इसलिए ज्यादा गर्मी लग रहा है। 60-70-80 से जा तो कोई इधर सब्जी है ही नहीं, और 500 में पहले कितना सारा 200 में झोला भर जाता था, अभी 200-250 में झोला ही नहीं भरा पूरा। ठीक है, ऐसे ही आ गए और सो आपको दिखाते हैं सब्जी हम क्या चीज लिए आज, सब्जी क्या खाएं, इतना ज्यादा महंगा हो गया है सब्जी कि समझ में नहीं आ रहा है क्या खाएं। ठीक है, तो इससे चलिए कैची कैची सब्जी लाते हैं वो आपको दिखाते हैं भाई, चलिए हमारे साथ बने रहिए, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। जय सुषमा जी। हम लिए ये देखिए आटा लिए, क्योंकि हमारा आटा खत्म हो चुका था, जो घर से गेहूं लाए थे तो वो भाई खत्म हो गया है, और अभी बरसात हो गया है तो बरसात में तो गेहूं सूखेगा ही नहीं, तो अच्छा तरीका से धूप भी नहीं करेगा तो धोना भी फजील ही है, तो बरसात में गेहूं नहीं अति करेंगे, आटा ही खरीद करके खाएंगे। तो ये है हमारा आटा 200 कुछ रुपए का, और क्या चीज क्या चीज सब्जी लाई हूँ ये देखिए। सोच रहे थे चिकन या मछली लाई, चिकन मछली तो नहीं खाना चाहिए, क्या हो गया है भाई फूट गई। तो इसमें अंडा है, अंडा लाई हुई हूँ, डीम बंगाली रेसिपी बनाएंगे, डीम भात, आज डीम भात खाने वाले हैं भाई। ये देखिए सब्जी ये लाए, ये है, चलो हम आपको झोला ही दिखाते हैं। झोला में क्या है, मिर्चा भाई नहीं था, मिर्चा है कहीं बोले, इतना सब्जी महंगा। ये देखिए ये सब्जी इतना ही मिलेगा, ये देखिए इतना में कितना दिन चलेगा, कैसे आदमी खाएंगे। लोग तो बोल रहे हैं कि भाई सब्जी छोड़ दो, चिकन मटन खाओ, चिकन खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, इतना सब्जी रेट ज्यादा बढ़ गया है। तो ये देखिए आधा केजी सिर्फ यही 40 रुपए केजी था, बाकी सभी महंगा है। ये देखिए 70 रुपए केजी था, आधा केजी लिए हैं,
ये 20-40 रुपए के जी, सारा सब महंगा बन चुका है। और यहाँ पे मैंने अंडा वगैरह उबाल लिया है, अंडा उबाल करके रख ली हूँ। और ये देखे अंडा उबाल करके फ्राई भी कर लिए हैं। तो भाई समय नहीं मिल रहा आपको पूरी रेसिपी शूट करने के लिए। मसाला भी पिसा चुका है, ये देखिए टमाटर कट के रख लिए हैं। और ये है मसाला, ये देखिए। और हमारा अंडा जो है ना भाई फ्राई हो चुका है, अंडा फ्राई कर रहे हैं, कर लिए हैं। और ये मसाला हमारा डला गया है। तो आज हमारा बना रहा है बेटा राजन बना रहा है आज अंडा करी। चावल मैंने बना लिया और 9:01 हो गया है। तो चलो एक घंटा आज ना एक घंटा लाइव बैठने वाले हैं, और डेली हमारा लाइव होता है। तो आजकल ना मैं सोच रही हूँ कि डेली मैं लाइव करूँ। जैसे 4 बजे से लाइव आती हूँ, और 4 बजे से 5 बजे तक कभी लाइव हो जाता है। तो मेरे डेली का शेड्यूल रहेगा 4 बजे से 5 बजे तक, एक घंटा। ज़्यादा लाइव करने से बाबा पूरा ही हो जाता है। तो एक घंटा हमारी लाइव रहेगी, 1 घंटा से 2 घंटा तक। दिन में 4 से 5 ठीक है, और रात में लाइव करने वाले हैं। रात में 9 बजे से 10 बजे तक एक घंटा, 2 टाइम करेंगे लाइव दोस्तों। तो हमारे लाइव में आप जुड़िएगा। तो सो चलते हैं। हमारा राजन तो बना रहा है, चावल वगैरह बना लिया, और लेट से ही आए थे, 8:30 बजे आए हुए थे बाजार से, जो कि गए थे नामकुम स्टेशन के बगल में बाजार लगता है, वहीं छोटी सी मार्केट है, तो वहीं गए थे। तो खाना हमारा खाना बना लिए हैं। खाना बनाने के बाद चावल हम बना लिए हैं, राजन को बोल दिए हैं, अंडा वगैरह उबाल दिए हैं, मसाला वगैरह तैयार वगैरह कर दिए हैं, राजन ही किया था। और चलते हैं थोड़ा सा लाइव कर लेते हैं। डेली का रूटीन होनी चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए रूटीन होनी चाहिए दोस्तों। तो मैं देखती हूँ क्या चीज़, पहले मैं लाइव नहीं आती थी, पहले हमारी लाइव कंटिन्यू करेंगे, क्या प्रोसेस है, कैसे है, बहुत सारा ये है। तो भाई धीरे धीरे हमारे ब्लॉग में आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा और बताएंगे ब्लॉग में, ठीक है। हमारा अभी लाइव ख़त्म हो चुका है, और 9 बजे से लाइव आती हूँ 10 बजे तक। तो हमारा ख़त्म हो गया है लाइव। तो अंडा करी हमारा राजन बनाया, आधा चीज हम कर दिए थे, अंडा अगर उबाल दिए थे, तो दोनों की माँ बेटा मिल करके अंडा करी बनाए हैं, बहुत टेस्टी। तो भाई इधर हम निकालते हैं खाना। आइए दोस्तों आप भी खा लीजिए खाना। अंडा करी आज बनाए हैं स्पेशल, अंडा करी मछली लाती है सजा। हाँ? मछली आदरा चल रहा है दोस्तों। अभी तक आप लोग खाए कि नहीं खाए कमेंट जरूर कीजिएगा। निकाल लिए हैं, अब देखते हैं अंडा करी खा करके। दीपू खाना खा लो बाबू, टेस्ट करते हैं हमारा राजन कैसा अंडा करी बनाया। बहुत टेस्टी बनाता है खाना, बहुत मस्त बनाता है दोस्तों। तो टेस्ट करते हैं, आइए आप लोग भी खा लीजिए, लीजिए आप भी खा लीजिए पहला बाइट। जबरदस्त।